हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं चैनल यार इन दी कार। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। आप यूट्यूब पर जगह जगह देख रहे होंगे कि एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी है, तो उसी व्हीकल की बात करेंगे आज अपने इस व्लॉग के अंदर। सो बेसिकली MG ने इंडिया में सबसे सस्ती EV गाड़ी लॉन्च कर दी है और जिसका नाम है MG कॉमेट EV। तो ये लॉन्च हो चुकी है, बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय में आप इसको बुक कर सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। पहले टाटा टियागो EV वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल EV इन इंडिया, बट अभी MG ने उससे कम दाम पे अपनी ये गाड़ी लॉन्च कर दी है। तो आइए बात करते हैं कि दोनों का कंपेरिजन क्या है, MG कॉमेट EV में आपको क्या मिलेगा, टाटा टियागो EV में आपको क्या मिलेगा, वो सारी बात हम इसी वीडियो में अभी करने वाले हैं। सो सबसे पहले टाटा टियागो EV 8.69 लाख से लेकर 9.29 लाख के रेंज में आपको मिलती थी। वहीं अगर हम बात करें MG कॉमेट EV की, तो इन्होंने जो अभी प्राइस रिवील किया है वो है जस्ट 7.98 लाख, यानी कि लगभग 71,000 रुपए कम है टाटा टियागो EV के बेस मॉडल से। तो अभी हालांकि MG ने कहा है कि हम सिर्फ एक ही मॉडल अभी लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ शायद वो और जो मॉडल्स हैं बेसिस ऑन द ग्राफिक्स डिजाइन दिस एंड दैट वो उनके प्राइस भी रिवील करेंगे। बट हाँ, बैटरी पैक सेम ही रहेगा 17.3 किलोवाट का, जो कि MG कॉमेट EV के अंदर वो दे रहे हैं। रही बात अगर हम टाटा टियागो की बात करें बैटरी पैक की, तो वो 19.2 किलोवाट का बैटरी पैक देते हैं और प्राइस भी अलग अलग है। हालांकि 16.19 वाला भी आता है जो कि 24 किलोवाट तक जाती है टियागो EV। सो बेसिकली ये जो MG कॉमेट EV बनाई है वो डिजाइन की है अर्बन मोबिलिटी को देखते हुए और ये इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल EV बन गई है। अब टू डोर के अंदर आती है, टाटा टियागो फोर डोर के अंदर आती है और वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट के प्राइस जैसे मैंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ तक ये रिवील करेंगे MG कॉमेट के। एक खास बात क्या है कि टाटा टियागो यूज करती है लिथियम आयन बैटरी, बट MG कॉमेट EV आपको देती है प्रिज्म बैटरी। तो ये एक नई इजाद है, बेसिकली ये प्रिज्म बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रेंज प्रोवाइड कर देती है और बार बार चार्ज करने की नौबत नहीं आती, ऐसा MG वाले कह रहे हैं। टोटल रेंज जो देती है गाड़ी आपको 230 किलोमीटर की रेंज देती है, 42 BHP प्रोड्यूस करती है गाड़ी। वहीं पर अगर हम बात करें तो टाटा टियागो EV की अगर BHP की बात करें तो वो आपको 60 BHP से 74 BHP एज पर बैटरी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहां पर टाटा टियागो बाजी मार जाता है, यहां पर BHP ज्यादा है। वो डेफिनेटली तो भी ज्यादा है क्योंकि बैटरी पैक भी तो बड़ा है टियागो EV का। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 7 घंटे लेती है MG कॉमेट EV चार्ज होने में, और अगर टाटा टियागो EV की चार्जिंग की बात करें तो वो 8.7 आवर्स लेती है, बिकॉज बैटरी पैक जैसे कि थोड़ा बड़ा है उसका। टाटा टियागो EV के अंदर आपको DC फास्ट चार्जिंग की भी ऑप्शन मिलती है, जो सिर्फ 58 मिनट के अंदर गाड़ी फुल चार्ज कर देता है। हालांकि MG कॉमेट EV के अंदर आपको DC फास्ट चार्जर की ऑप्शन मिलती ही नहीं है। यू कैन नॉट चार्ज MG कॉमेट EV विद DC फास्ट चार्जर। आपको वो 16 एम्पेयर के सॉकेट में कहीं पे भी लगाकर इजीली उसको चार्ज करता है। ये प्लस पॉइंट भी है, ये नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज अगर कहीं आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपको जल्दी गाड़ी चार्ज करनी है, तो MG वाली नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, डेली रूटीन के अंदर अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी घर जाते हैं, दोस्त से घर जाते हैं, वहां पर भी नॉर्मल 16 एम्पेयर का सॉकेट तो कहीं भी मिल जाता है किसी भी घर में, तो उससे आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था कंपैरिजन टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV का। नो डाउट MG कॉमेट EV का जो डिजाइन है
वो काफी क्यूट है, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, इंटीरियर भी बहुत लाजवाब है। मैं पिक्चर साथ में ऐड करूंगा इस वीडियो में, आप देखिएगा। इंटीरियर गाड़ी का काफी अच्छा है, एक्सटीरियर बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनाया गया है उसका, और एक और डिजाइन पैटर्न उन्होंने यूज किया है कि जो बाहर से दिखने में बेशक छोटी लगती है पर अंदर से काफी स्पेशियस है गाड़ी, ऐसा एमजी वाले कह रहे हैं। बाकी अब जब गाड़ी रोड पर आएगी आप उसमें बैठकर देखेंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बट हाँ, लेंथ की बात करें तो टियागो डेफिनेटली उससे बड़े साइज में है, वो एक फुल साइज हैचबैक है, बट एमजी कॉमेट ईवी एक स्मॉल पैकेट, बड़ा धमाका ऐसा है, लगभग कह सकते हैं आप उसको। सो डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, आप टाटा टियागो ईवी पे जाना चाहते हैं या कि एमजी कॉमेट ईवी के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा लाजवाब लग रही है, और अगर आप फ्यूचर में ईवी गाड़ी लेना चाहते हो तो इसमें से कौन सी प्रेफर करेंगे। दोस्तों एमजी वाले कह रहे हैं कि अगर आपका डेली का रन 30 से 50 किलोमीटर का है सिटी ड्राइव के अंदर, तो आपको लगभग हफ्ते में सिर्फ एक बार इस गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। तो आप सोचिए, और वो जो चार्जिंग है वो सिर्फ 500 रुपए में होगी, मतलब जो आप घर पे चार्ज करते हैं 16 एम्पीयर के सॉकेट से, तो 500 रुपए के अंदर आपकी गाड़ी एक हफ्ता चलेगी, जो कि पॉकेट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। सो आने वाला टाइम डेफिनेटली ईवी कार्स का है।